आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। कहां कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन में कहा गया था कि अरे भैया, इस देश की जो स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर में दो चीजें जरूरी होगी। एक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और दूसरी चेक एंड मेट पॉलिसी होगी। डिसेंट्रलाइजेशन पावर, सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होगी, सत्ता तीन हिस्सों में होगी, तीन हिस्से बराबर होंगे। एक होगा लेजिस्लेटिव, जिसमें पूरे एमपीज रहेंगे। दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव, जिसमें पूरे मिनिस्टर्स होंगे। तीसरा होगा जुडिशियरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे कोर्ट होंगे। सत्ता तीन जगहों पर होगी, कोई एक बढ़ चढ़ कर काम नहीं कर सकता, दूसरा उसको चेक एंड मेट करेगा, और इन तीनों के ऊपर कोई नहीं होगा। बात ध्यान में रखिए, इन तीनों के ऊपर कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की जो चार कोने कहे गए, जो चार पिलर कहे गए, उसमें का पहला पिलर है, तुम्ही म्हणता ना, देशाच्या घटनेची चौकट बदलता येत नाही। चौकट म्हणजे काय? चौकट कशाला म्हणतात? तर चौकट सांगण्यासाठी इथे ज्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या, त्यात चौकट क्रमांक एक, इस देश का नाम भारत होगा, कभी भी नहीं बदला जाएगा। वह नाम बदलना याने इस फ्रेमवर्क को बदलना है। नंबर दो, इस देश में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन हिस्से बराबर रहेंगे, और इस पर कोई तीसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा। तीन हिस्सों में सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, इन पर कोई नहीं आएगा। अगर इन पर किसी को बिठाना है, तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को धक्का दे रहे हो। आप जरा गौर कीजिए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा है, वो ऊपर नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। फिर आई तीसरी बात, क्या कहा है? फंडामेंटल राइट को आप कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर थर्ड में बताए हुए धारा 12 से लेकर धारा 35 तक, कलम 12-35 पर्यायाने मूलभूत हक्क डावलता येणार नाही। असे तुम्ही डावलण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्ही चौकटीला धक्का द्याल। और चौथी बात, ज्याला आम्ही आमच्या मराठवाड्याच्या भाषेत ज्ञानबाची मेख म्हणतो, ती चौथी बात क्या कही? ऊपर जो हमने बताया है ना, ये तीन चीजें और ये इसकी प्रोसेस, इसमें आप कभी भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पाओगे। इति बाबा साहब अंबेडकर उवाच, नहीं कर पाओगे आप। अब देखिए, ये चार चीजें हैं, बड़े ज्ञान से संत बने घूम रहे अन्ना हजारे, वो कह रहे हैं कि जन लोकपाल हम लाएंगे, और जन लोकपाल क्या करेगा? तो बोलते हैं कि जन लोकपाल करप्शन की तफ्तीश करेगा, इंक्वायरी करेगा। कैसे इंक्वायरी करेगा? तो बोल रहे हैं कि जन लोकपाल को एमपीज के इंक्वायरी करने का हक होना चाहिए, यानी कि लेजिस्लेटिव, खासदारांची चौकशी करायचा अधिकार, मिनिस्टर की इंक्वायरी करने का हक होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में रहे जजेस की इंक्वायरी करने का हक होना चाहिए। आप सोचिए, अन्ना क्या बोल रहा है? अन्ना बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, तीनों की इंक्वायरी का हक लोकपाल को होना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर तीनों की इंक्वायरी लोकपाल करेगा, यानी कि लोकपाल कहाँ बैठेगा? लोकपाल तीनों के ऊपर बैठेगा। लेकिन अगर लोकपाल तीनों के ऊपर बैठता है, तो इसका मतलब
कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को धक्का लग जाता है, लेकिन फिर भी अन्ना हजारे की मूवमेंट को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? अन्ना हजारे की मूवमेंट को इतना ग्लैमर क्यों दिया जाता है? क्योंकि जिन लोगों को इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कतई कतई पसंद नहीं है और जो लोग प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, संसदीय लोकशाही पेक्षा अध्यक्षीय लोकशाही जन्ना आणायची आहे, ते लोक जाणीवपूर्वक अण्णाला पाठिंबा देतात, कारण त्यांना माहिती आहे एकदा जर अध्यक्षीय लोकशाही आली तर सगळी सूत्र एकाच्या छतात येतील आणि मग तो एक कोण असावा? बर, उद्या जनलोकपालच गेम केला काय घ्या त्याच? अगर जनलोकपाल ने ही करप्शन कर दिया उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? इस पर अन्ना बोल ही नहीं पाते, बोलेंगे कैसे? उतनी पढ़ाई लिखाई भी तो होनी चाहिए। अन्ना हजारे इस पर कुछ नहीं बोलते और अन्ना हजारे के कितने ही जिला अध्यक्ष हैं जिन पर डराने धमकाने के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का मिसयूज करके ब्लैकमेल करने के मुकदमे चल रहे हैं, इस पर भी कोई बात नहीं करता। अब देखिए इस देश में संविधान को बदलने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग इस काम में जुट गए हैं कि यहाँ पर कहा गया कि इस देश के संविधान के तहत यहाँ सेकुलरिज्म होगा। सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष मीन्स राज्याचा स्वतःचा असा धर्म असणार नाही आणि राज्य व्यक्तीच्या धार्मिक आयुष्यात हस्तक्षेप करणार नाही। कुणीही प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य असेल असं असताना, परंतु धर्म नावाची गोष्ट राजकीय क्षेत्रात आणायची नाही असं सांगितलेलं असताना सुद्धा या देशात ठरवून धर्मनिरपेक्षचे तत्व धाब्यावर बसवले जाते आणि सरकारी कार्यालयामधून सरळ सरळ धार्मिक उन्माद केला जातो। नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला 1 जानेवारीला आणि त्यानंतर अजून एक कुठला तरी दिवस, मी दिवस विसरून गेले तो, हा 26 जानेवारीचा दिवस, प्रजासत्ताक दिवस। अरे ज्या दिवशी या देशात संविधान लागू झाले त्या दिवशी तरी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व पाळायला हवे, पण 26 जानेवारीला आमचे गावाकडचे अडाणी लोक बरे मुंबई सारख्या जागतिक शहरामध्ये कॉस्मोपॉलिटियन शहरातल्या लोकांचे सोडा, सोसायट्यांचे सोडा, मुंबईच्या पोलीस स्टेशन मधले पोलीस सत्यनारायणाच्या पूजा 26 जानेवारीला घालत होते आणि हे सांगतात आम्ही कायद्याची अंमलबजावणी करतो। इस देश का कानून, इस देश के कानून की हिफाजत करनी है, वही इस देश के कानून को तोड़ मरोड़ के रखते हैं। और राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं? बरोबर तिथे संविधान दिनाच्याच दिवशी 26 नोव्हेंबरला राजनाथ सिंह म्हणतात कि हम पार्लियामेंट में एक दिन का डिबेट रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इधर महाराष्ट्र में बड़ोले साहब बोल रहे कि हम नागपुर में संविधान के प्रीएम्बल का रीडिंग करेंगे, साथ में उनके गोलमटोल सीएम साहब भी रहेंगे। और बड़ोले साहब और फडणवीस साहब दोनों उस प्रोग्राम में शामिल। हमें लगा कितनी अच्छी बात है भैया, ये संविधान को कितना मानते हैं। लेकिन तभी वाशिम और अकोला की डेली न्यूज़पेपर लोकमत का इश्तिहार देखा। लोकमत के इश्तिहार में क्या छपा था? आमी भारताचे लोक, सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष नाही, सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब लोकमत की इसमें गलती नहीं है,
जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है जहां से यह एडवर्टाइजमेंट निकला था, उन्होंने पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया, उनकी गलती थी। हम जब आजाद मैदान पर गए, हमारे साथ हसन मुशरफ साहब थे, नवाब मलिक साहब थे, और हम नारे लगा रहे थे आजाद मैदान पर कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और हम बोल रहे थे कि यह धर्म निरपेक्ष का आप भाषांतरण पंथ निरपेक्ष कैसे कर रहे हो। तो राजनाथ सिंह उस दिन टीवी पर क्या बता रहे, राजनाथ सिंह टीवी पर बता रहे थे कि सेक्युलरिज्म, यह जो अंग्रेजी शब्द है, इस शब्द का सही सही मराठी भाषांतरण पंथ निरपेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं। आता मला कळना गेले कि राजनाथ सिंह नेमके कोणत्या शाळेत शिकले होते, ह्यांचं इंग्रजी कच्चं असलं पाहिजे। मी मागही म्हटलं ना, आताही सांगते, राजनाथ सिंगना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन द्यायची माझी तयारी आहे, त्यांनी इंग्रजी शिकायची तयारी ठेवावी। काय चुकीच्या गोष्टी करतात लोक, कॉन्स्टिट्यूशनला हे बदलण्याचा प्रयत्न करतात। मग अजून एक माणूस आला, नाव अनंत हेगडे, और अनंत हेगडे क्या बोल रहा है, हम कानून बदलने के लिए ही आए हैं। तो या बापाची मिरासदारी आहे इथं, हां म्हणजे काय, आम्ही काय हाताने नुसतं काय चुना तंबाखूच मळतो का काय, काय दुसरं काय जमत नाही काय आम्हाला, तू सांगशील ना आम्ही ऐकू, काय चाललं या देशामध्ये। और वो कर्नाटक में, फिर कर्नाटक में हम उसे घर दबोचने की बात करते हैं, गुलबर्गा में हमारे सारे कार्यकर्ता उसे घेराव करते हैं, वो वहां से पुलिस की हिफाजत में वो भाग निकलता है और गेस्ट हाउस पे जाकर अनंत हेगड़े बोलने लगा। लोगों ने कहा, अरे भैया आपके खिलाफ लोग नारे दे रहे थे, आप क्या क्या कहना चाहते हैं आप। तो अनंत हेगड़े बोल रहा है, अरे जाने दो, बोले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते तो बोले भौंकते ही रहते हैं। अनंत हेगड़े क्या बोल रहा है कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हम बस इतना कहेंगे उस हेगड़े साहब को कि भाई कुत्ते भौंकते हैं और कुत्ते भौंकते समय क्या बात कर सकते हैं, ये समझने के लिए इंसान तो बड़ा अनेबल है, इंसान तो नहीं समझ सकता, कुत्तों की भाषा कुत्ता ही समझ सकता है। आप कौन हो जरा जान लो, आयबीच्या लोकांनी रेकॉर्ड वर घ्यायला हरकत नाही, घ्या तुम्ही, कारण तुम्ही आमच्या अस्मितेला जर ललकारत असाल तर आम्ही तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की तुम्ही काय चूक करत आहात। संविधानाची अंमलबजावणी झाली का याची समीक्षा करताना आम्हाला अजून एक मुद्दा लक्षात येतो की अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चॅप्टर 3 आर्टिकल 21, एज्युकेशन, फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन इज अ फंडामेंटल राईट ऑफ अस, हा आमचा पूर्ण अधिकार आहे। पण महाराष्ट्रामध्ये विनोद तावडे साहेबांनी आयबीने रेकॉर्ड करावं, हे शब्द रेकॉर्ड वर घ्यावेत, विनोद तावडे साहेबांनी 1300 शाळा गव्हर्नमेंटच्या बंद केल्या। एकीकडे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये असं सांगितलं जातं की एक जरी लेकरू लांब शिकत असेल तर त्या लेकरापर्यंत शाळा पोहोचली पाहिजे, एकही लेकरू शाळेशिवाय राहिलं नाही पाहिजे। आणि तावडे साहेब सांगतायत की पटसंख्या कमी आहे म्हणून आम्ही शाळा बंद केल्या, 1300 शाळा बंद केल्या, 3000 नव्या बंद होतील, आमचं शिक्षण बंद केलं जाईल। आता शाळांचं कंपन्याकरण करायला चालू आहे, म्हणजे यांचं कसं चाललंय, गाय को बचाओ, गाय को बचाओ, हा गाई पाळा, गाई जवळ घ्या, जनावर पाळा, लेकर सोडून द्या, लेकरांची जनावर कुरवाळत बसा, लेकर सोडून द्या, खायला कुठल्या शाळेत चुकून आलते कुणास ठाऊक, या कॉप्या करून पास झाले का काय, काय चाललंय यांचं, गाय सांभाळायचं म्हणतात तर लेकरू सोडून द्यायची म्हणतात, तावड्यांच्या तावडीत न शाळा सोडवायच्या, तावड्यांच्या तावडीत न शिक्षण वाचवायचंय, तर जरा सगळ्यांनी एकवटण्याची गरज आहे, नाही तर पुन्हा पुढची 5 वर्ष घोकावं लागेल। एक ही भूल कमल का फूल, एक ही भूल कमल का फूल, तुम्ही ठरवा काय करायचं इथे, 1300 शाळा बंद होतात,
कुड़ी कहीं बोलत नहीं। अब गवर्नमेंट स्कूल इतने बंद हो गए, क्या प्राइवेट स्कूल में हम अपना बच्चा भेज सकते हैं? मेरे पहले राजरतन भाई जी ने अपनी बात कही कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन एजुकेशन। अब फडणवीस की बेटी जहां पर पढ़ती है वहां हमारी बेटी पढ़ने के लिए क्या हमारे पास उतनी पेइंग कैपेसिटी है? पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल अपने पैर फैला रही है। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के केजी के बच्चों की फीस केजी फर्स्ट को 1 से 1.5 लाख रुपए फीस है। 1.5 लाख कहां से लाएंगे हम? यानी कि पैसे है तो पढ़ाओ, नहीं है तो बस खुलेआम छोड़ दो। हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन ना मिले इसके लिए उन्होंने पुख्ता तैयारी की है। और इस पर मराठी के मुद्दे पर बहुत ज्यादा सीना चौड़ा करके बात करने वाले जय महाराष्ट्र, करा कष्टन खाउष्ट पष्ट, जय महाराष्ट्र करने वाले राज ठाकरे, राज ठाकरे इस पर बात नहीं कर रहे हैं। और राज साहेब, मराठी शाला बंद होता है, मराठी शाळेच बोला कि कुठं अक्षय कुमारच्या नादाला लागतंय। अक्षय कुमारवर टीका करणे म्हणजे देशभक्ती नव्हे। तुम्हाला टीका करायची असेल ना आणि मुद्द्यांचा अभ्यास नसेल, मुद्दे आम्ही देतो तुम्हाला, कशावर राजकारण करायचं? राज साहेब, अक्षय कुमारवर बोलणे हा ज्या पक्षाचा अजेंडा असेल ना, त्या पक्षाचा चुकून मागच्या वेळेला एकतरी आमदार निवडून आला होता, या वेळेला तुम्ही भी दिसायचं नाही पक्षात, कारण तुम्हाला मानणारे लोक फक्त आणि फक्त महाराष्ट्रात असतील। तुम्ही सभेला जमा करता ती गर्दी इव्हेंट मॅनेजमेंटची असते, अक्षयला मानणारी पोरं न बोलावता अशी गोदारोळ करतात त्याच्या पाठीमागे। त्यामुळे अक्षयवर टीका करण्यापेक्षा तुम्ही या गोष्टीकडे लक्ष द्या की 250 रुपयाचा गॅस 800 रुपयाला कसा झाला। आमचे मोदी साहेब आम्हाला इमोशनल ब्लॅकमेल करताहेत आणि मोदी साहेब सांगताहेत, भाई और बहनो, विपक्ष के लोग मेरी आलोचना करते हैं, विपक्ष के लोग मुझे विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के लोग मुझ पर पूछ रहे हैं कि मैंने उज्ज्वला योजना क्यों बनाई। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा सा था आईला हिने लहान असताना सगळ्या गोष्टी घडल्या, मोठा असताना काही घडलंच नाही, लहान असताना झालं सगळं। मैं जब छोटा सा था मेरी माँ चूल्हे पे रसोई करती, उसकी आंखें धुएं से लाल होती, आंखों से पानी आता, मैं सोचता मेरी माँ की इस पीड़ा को मैं कब उस पीड़ा से मुक्ति दिलाऊंगा। इसलिए जब मेरी गवर्नमेंट बनी तो मैंने पहले सोचा कि मैं उज्ज्वला योजना बनाऊं और जो मेरी माए मेरी बहनें इस धुएं से परेशान हैं, इन पीड़ा से उसे मुक्ति दिलाने के लिए मैंने उज्ज्वला योजना बनाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने गलत किया? तो खालून त्यांचे पंटर लोक नहीं नहीं नहीं, पुन्हा त्यांना इमोशनल ब्लॅकमेल करायचं, तो इमोशनल ब्लॅकमेल करून म्हणणार, मित्रों, विपक्ष के लोग मुझ पे आलोचना करते हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि मैंने घर घर में शौचालय क्यों बनवाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम भारत के लोग हैं, हमारी भारत की औरतें, भारत की माएं, भारत की बहनें कितनी मर्यादा, कितनी संस्कृति, कितनी लज्जा, कितने संकोच से रहती है। जो घूंघट में हमारी माँ रहती है, बहन रहती है, वो जब खुले में शौच को जाती है और बड़े संकोच से एकदम से, क्या क्या मैंने घर घर शौचालय बनवा कर गलत किया? निरुपमा स्टॉइल चे पंटर खालून नहीं नहीं नहीं। हाँ मोदी साहेब, मोदी साहेब, टॉयलेट तो लई बनवले हो तुम्ही, शौचालय लई काढली, पण तिकडे जाण्यासाठी पोट तर भरलेलं पाहिजे ना, महागाई एवढी करून ठेवली की जायचं कसं तिकडं? बाबासाहेब आंबेडकर
इस देश में स्टेट सोशलिज्म की बात की थी, स्टेट सोशलिज्म की हैसियत से कहा था स्टेट में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, जो पढ़ा लिखा है उसे नौकरी दीजिए, जिसे नौकरी नहीं है उसे बिजनेस या कारोबार करने के लिए बैंक लोन दीजिए, जिसे बैंक लोन नहीं मिल रहा उसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत काम दीजिए, जिसे वो भी नहीं उसे बेरोजगारी का भत्ता दीजिए। 2006 पासून नौकर भंती बंद आए, 2006 से लेकर आज तक नई कोई वैकेंसी निकली ही नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग की बात चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, भारती जैसे ऑफिस में भी 85%। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल, को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।